my friends, this is Gaurav. I am once again over here. Today I am teaching या फिर मैं तुमको समझाने की यहाँ पे कोशिश करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम का एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से करना है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो पहले हमको एक चीज को समझना पड़ेगा, प्रीपेड का मतलब समझते हैं हम लोग और आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हैं। प्रीपेड मतलब क्या होता है? प्रीपेड मतलब हमने क्या कर दिया, वो चीज को पहले ही कर दिया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? जो हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ठीक है? तो प्रीपेड मतलब क्या हो जाएगा? जो हमने पहले से ही पे कर दिया। अब एक और एक बात समझो मेरे ही लैंग्वेज में, अगर हमने कोई चीज प्रीपेड कर दी, पहले ही कर दी, मतलब मैं खाली एक्सपेंसेस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो एक्सपेंसेस हम लोगों ने पहले ही पे कर दिया तो मेरा क्या होएगा? ताकत होएगा, ठीक है? मेरी ताकत होएगी, तो ताकत से मेरा क्या बनता है? असेट बनता है। क्या बनता है मेरा? ताकत से असेट बनता है, ठीक है? अब अगर मेरे सिर के ऊपर कोई भी कर्जा रहेगा, मुझे टेंशन रहेगा, तो टेंशन से मेरा क्या बनेगा? लायबिलिटीज बनेगा, ठीक है? तो मैं अभी वीडियो के दौरान तुमको ताकत और टेंशन के बारे में बोलूंगा, तो टेंशन से मेरा आता है लायबिलिटीज और ताकत की वजह से मेरा क्या आता है? असेट। तो ये तुम खाली चीजों को ध्यान में रखो, ठीक है? अब प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब मैंने क्या कर दिया, जो खर्चा था वो मैंने समय से पहले ही दे दिया, तो ये क्या थी मेरी? ताकत थी। ताकत से मेरा क्या बनता है? असेट। तो मैं ये कहाँ पे लिखूंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस को? असेट साइड में। तो इसका पहला इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। कहाँ जाएगा ये? बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है? और अब हमारे को सेकंड इफेक्ट क्या करना पड़ेगा? अब हम लोगों को जो भी अमाउंट दिया रहता है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। अब ये लेस क्यों करना पड़ेगा, ये लॉजिक को समझो तुम। अब हम लोग अकाउंट्स में कौन सा वाला खर्चा लिखते हैं? जो हमारा इस साल का खर्चा रहता है। कौन सा रहता है? इस साल का खर्चा रहता है, उसको ही हम लोग लिखते हैं। क्या करते हैं? उसको ही लिखते हैं। अब ये तो क्या कर दिया हम लोगों ने? प्रीपेड मतलब अगले साल का अभी पे कर दिया, तो ये इस साल का तो खर्चा नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? लेस फ्रॉम रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस, ठीक है? अब लेस फ्रॉम रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमारा कहां पे होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और क्या हो सकता है दूसरा हमारा? पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड, ठीक है? अब प्रीपेड का मतलब हमको समझ गया। अब हम लोग जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम लोग कौन सा वाला खर्चा लिखते हैं, जो हमारा इस साल का रहता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? कि जो हमने अभी तक पे नहीं किया है। क्या नहीं किया है? पे नहीं किया है। तो मुझे क्या करना है? इसको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है मुझे इसको? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना हमारा खर्चा है वो पूरा हमको शो करना है, भले ही हमने नहीं भी दिया हो तो भी। तो मेरा फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा? ऐड टू रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस, ठीक है? वो तुम्हारा कहां पे होएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और या फिर कहां पे हो सकता है? और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। हमको क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड करना पड़ेगा। और सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? मेरा देना बाकी है, मतलब मुझे टेंशन है। टेंशन से मेरा क्या बनता है? लायबिलिटीज। तो मैं कहां पे लिखूंगा इसको? लायबिलिटीज साइड में। सेकंड इफेक्ट व्हाट विल बी माय? बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड।
ठीक है, समझाइए तुम लोगों को अच्छे से। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। अब हम लोगों को क्या करना है, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब क्या होता है कि वो इनकम हमने क्या कर लिया है, पहले ही प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है हम लोगों ने, उसको पहले ही प्राप्त कर लिया है, प्री रिसीव्ड इनकम। अब ये कैसा होता है, मतलब प्री रिसीव्ड इनकम मतलब मैंने किसी का काम नहीं किया, मैंने किसी से पैसे तो ले लिए, तो अब मेरे को क्या है उसका टेंशन है। क्या है मुझे उसका टेंशन है। अब टेंशन तो है, टेंशन से मेरा लायबिलिटीज बनता है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ उस बात को, मैं दूसरा बात बताने जा रहा हूँ। क्या कि अब प्री रिसीव्ड इनकम, तो मेरे को इनकम, इनकम हम कौन से साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बराबर। तो अब पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो तुमने इनकम लिखा हुआ है ना, उसमें से तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्री रिसीव्ड मतलब तुम्हारा इस साल का तो इनकम नहीं है, हम लोग कौन सा वाला इनकम दिखाते हैं, जो हमारा इस साल का होता है वही दिखाते हैं। तो ये तो कौन सा वाला इनकम है हमारा, अगले साल का अभी मिल गया है, तो अगले साल का जो कुछ भी मिलता है अभी, उसको क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, उसको लेस करते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट मेरा क्या होएगा, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टेड इनकम। ठीक है, ये कौन सा साइड होएगा मेरा, क्रेडिट साइड करेगा, पीएनएल क्रेडिट साइड। ठीक है, अब दूसरा क्या होएगा अब हम लोगों का, मैंने क्या बोला था, मेरे को इनकम तो इस साल हुआ नहीं है, सॉरी इनकम मुझे इस साल मिल चुका है, बट वो इस साल का नहीं है, अगले साल का है। तो अगले साल का है, मैंने अभी तक उनका काम नहीं किया है, मेरा काम नहीं किया है, मतलब मेरे सिर पे क्या है, उनका पैसा लेके रखा है, तो मुझे तो टेंशन है ना उनका, तो टेंशन से क्या होता है मेरा, लायबिलिटीज आता है। तो लायबिलिटीज में मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस चीज को शो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड कहाँ पे आ जाएगा, ये ठीक है, ये हो गया मेरा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। फिर उसके बाद में इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल या फिर क्या है वो, आउटस्टैंडिंग इनकम है। रिसीवेबल मतलब क्या होता है, जो हमारा क्या है, मिलना बाकी है। मिलना बाकी है मतलब क्या होएगा, वो जब पैसा मिलेगा तो मेरा क्या होएगा भाई, ताकत बढ़ेगा। क्या होएगा, ताकत बढ़ेगा। तो ताकत से मैं किसको लेके आता हूँ, मेरे असेट को। तो फर्स्ट इफेक्ट मेरा क्या होएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा। और इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या है कि इस साल का तो वो इनकम था मेरा, बट मुझे अभी तक नहीं मिला है। और अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, जो इस साल का पैसा मिलना रहता है या फिर इनकम हो जाता है, उसको हम शो करते हैं। हमको जितना मिला उतना तो हम शो किए हैं, बट जो मिलना बाकी है उसको भी तो हमको शो करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। व्हाट आई विल डू, ऐड टू माय रिस्पेक्टेड इनकम। तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू रिस्पेक्टेड इनकम, और ये कहां पे आएगा तुम्हारा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, अब बच्चे लोग मुझे एक सिंपल सी एक तुमको बात याद करवानी है, क्या कि जब भी तुम लोगों को रिसीवेबल वर्ड दिखता है, क्या दिखता है, रिसीवेबल वर्ड दिखता है या फिर प्रीपेड वर्ड दिखता है, उसको आंख बंद करके आप बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख दो। क्या करो आप, उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख दो। और अगर तुमको क्या दिखता है, पेएबल, पेएबल या फिर आउटस्टैंडिंग, व्हाट यू विल डू, यू विल राइट बाय क्लोजिंग योर आईज, यू विल राइट एट बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। कहां लिखोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। इन शॉर्ट
जब भी रिसीवेबल या फिर तुमको प्रीपेड दिखा तो आप कहां लिखोगे बैलेंस शीट असेट साइड में, और आउटस्टैंडिंग या फिर पेएबल दिखा तो आप कहां लिखोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सो फ्रेंड मैं मेरे को जितना समझाना था उतना तो मैंने समझाने की कोशिश की, बट अगर आपको ये वीडियो का मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका अगर एक एग्जांपल देखना है तो आपको मेरे दूसरे वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। सो वंस अगेन आई एम वेरी मच